दोस्तों नीडल्स बहुत मोटा होता है और इसको 6 घंटे के बाद निकालो बोला है। So welcome back to my channel. So this video is for encouragement and advertisement purpose. So अभी हम यहाँ ब्लड डोनेट करने जा रहा है। यहाँ पर हमको बैठ के ब्लड देना पड़ेगा और एक ब्रदर को ब्लड जरूरत है तो हम देने वाला है। एक्चुअली ये एक कुछ एड्स की तरह है, कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे कुछ पर्पस में बना रही है वीडियो। ये दापोर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और यहाँ है मेरा ब्रदर नेहरू मलिंग आया है मेरा साथ। ये ब्लड डोनेशन इंचार्ज दापोरिजो, आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देगा। दापोरिजो में आपको किसी के भी कोई भी तरह का ब्लड जरूरत है आप इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है दापोरिजो, ये वेटिंग रूम और ये डॉक्टर्स चैम्बर और ये अंदर में टेस्ट करता है। थोड़ा सबको दिखा देते हैं, यहाँ पर पूरा लैब है, टेस्ट करता है और यह भी डॉक्टर से शायद है कि यहाँ जाकर लेते रहो बोला है तो हम यहाँ ले जाएगा। कैसे लेते हैं बोले से हम यहाँ अभी ले जाएगा। आपको ऐसा आराम से ऐसे रखना है, दोस्तों नीडल्स बहुत मोटा होता है। कैमरा मैन तरह से जूम करके तो नीडल्स को दिखा देना विशाल से पहले। और ब्लड देना बहुत अच्छा बात है, ब्लड देना चाहिए ना मैडम। कर रहे ऐसे कर रहे अभी खत्म हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा नहीं था ना समझा ना। दोस्तों फाइनली हो गया ब्लड डोनेशन, तो वो मेरा दोस्त है जो मेरा इंतजार कर रहा है और इसको 6 घंटे के बाद निकालो बोला है। 6 आवर्स ऐसे तक आपको स्मोकिंग नहीं करना है, तब आपको ये सब नहीं करने बोला है। इसे तो हम खाता भी नहीं है ये सब, यहाँ भी थोड़ा कुछ मिनट रेस्ट करने बोला है। पूरा रेस्ट करने के बाद निकल जाएगा और अभी लेके गया है मेरा ब्लड, मेरा खून को मेरा सामने से लेके गया है। क्या करेगा ये ब्लड डोनेशन का एक पार्ट है ना, पार्ट ऑफ ब्लड डोनेशन। रक्त दान करके देखो अच्छा लगता है,
ब्लड डोनेशन के बाद 15 मिनट रेस करना है यहीं पर। ब्लड देने के बाद पानी ज्यादा पीना है और जूस ये सब बहुत ज्यादा लिक्विड ड्रिंक्स लेना है। ब्लड देने के बाद 6 आवर्स रेस्ट लेना है। ये बैंडेज को 6 आवर्स ढूंढना पड़ेगा। देने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगने से, कुछ भी डिसकम्फर्ट होने से, ये ब्लड बैंक को कॉन्टेक्ट करो बोल के दिया है। ब्लड देने के बाद भी यहाँ में 15 मिनट रुकना पड़ेगा हमको। मेरा समय हो गया, अभी हम वेटिंग रूम में जाएगा। वैसे तो मेरा ब्लड देने वाला 7-8 टाइम हो गया, सोचता है कि हम देते रहेगा क्योंकि ब्लड देना बहुत अच्छा लगता है। ब्लड देने के बाद जूस पीना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे ब्लड डोनेशन किस तरह होता है, आप देखे देखो अच्छा लगता है। ब्लड देकर कोई किसी ने कुछ नहीं किया है, बस किसी को जिंदगी दिया है और अपना लिए भी बहुत मतलब एक अच्छा महसूस होता है, एक अच्छा फीलिंग आता है, क्या बोलेगा, एक प्लेजर मिलता है ब्लड देके। हमको तो मिलता है, आपका पता नहीं है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को यही खत्म करेगा। तो यही थे ब्लड डोनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।